अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सदियों लंबे इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत इस आयोजन के दौरान गर्भगृह में मौजूद थे। पीएम मोदी, सीएम योगी और मोहन भागवत समेत गर्भगृह में मौजूद सभी ने रामलला की पूजा अर्चना की और उसके बाद मंदिर परिसर में ही बनाए गए मंच पर पहुंचे और आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला, वहीं पीएम मोदी ने बस इशारा भी किया। मोहन भागवत ने पीएम मोदी को तपस्वी बताया और मिलजुल कर रहने का भी मंत्र दिया। पीएम ने देव को देश और राम को राष्ट्र से भी जोड़ा। सागर से सरयू तक की यात्रा का जिक्र करते हुए पीएम ने जब ये कहा कि राम भारत का आधार है, विचार है, विधान है, चेतना है, चिंतन है, तो विपक्ष के लिए नसीहत की तरह भी था। विपक्षी दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से दूरी बना ली थी। बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए ही 2 से 303 सीटें सांसदों तक का सफर पूरा किया। शायद इसलिए पीएम ने राम को प्रभाव भारत का चिंतन, भारत का प्रताप और बताया। पीएम राम को नीति बता दिया। निषाद राज के साथ उनकी मित्रता का जिक्र कर जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत, अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लक्ष्य कर काम करने का, समानता का संदेश दे गए, तो साथ ही शबरी के विश्वास पर विकसित भारत का संकल्प भी जता गए। पीएम मोदी ने राम मंदिर के बाद क्या अपने संबोधन में इसका भी खाका सामने रखा। उनका यह कहना है कि हमारे विजय का ही नहीं, विनय का भी दिन है। इस बात के स्पष्ट संदेश दिए कि अब बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर बढ़ रही है। संबोधन की शुरुआत और समापन सियावर रामचंद्र की जय के साथ करना भी इसी का संकेत माना जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यूपी के सीएम योगी का आक्रामक अंदाज नजर आया। सीएम योगी ने नाम लिए बगैर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कार सेवकों पर फायरिंग का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं, अब राम नाम संकीर्तन गुंजयमान होगा, सरयू रक्त रंजित नहीं होगी, अब क्रूज चलेगा, तो उनका संकेत उसी घटनाक्रम की ओर होता है। कर्फ्यू के कहर और पराक्रम के मार्ग में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, ये बात कर योगी लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सरकार की सख्ती का भी संदेश दे गए। सीएम योगी के संबोधन विपक्ष पर वार था, सख्त लॉ एंड ऑर्डर का संदेश था, तो साथ ही राम राज्य की परिकल्पना भी थी और आपसी समावेश समाज की परिकल्पना भी। सीएम योगी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने की सौगंध ली थी और ये भी कहा कि अवधपुरी में रामलला का विराजमान होना भारत में राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा है। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधम निरत श्रुति नीति का उल्लेख कर बंधुत्व का संदेश भी दिया। इसी तरह संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन की शुरुआत में ये कहा कि जहां जोश की बात होती है, हमें हमेशा होश की बात करने के लिए कह दिया जाता है। उन्होंने अयोध्या का अर्थ बताया और राम राज्य का भी। सबके मूल में एक संदेश था, आपसी द्वंद्व छोड़ने और मिलजुल कर चलने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का संकेत साफ तौर पर नजर आया।